हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के अलवर बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में वोट मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी का मुखिया बनाकर बैठा देती है। मैं पहले भूपेंद्र यादव के साथ ही काम करता था, जब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं हरियाणा में विधायक बन जाऊंगा। आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर अब की बार 400 पार के नारे को सफल बनाने का कार्य आप सभी करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई जो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में कर दिखाया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव आने पर कुछ लोग सपने दिखाने का काम करते हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली, अब न्याय यात्रा निकाल कर कौन सा न्याय दिलाएंगे? पहले अपने पुरखों के कार्यकलापों को तो देख लें। उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। अगर 10 वर्षों में भारत को जोड़ने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अलवर से महावीर प्रसाद की रिपोर्ट। अपना परिवार है, 19 तारीख को यहां से हमारे भूपेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जब मैं रात के समय आप लोगों के बीच में आया था तो बाबा जी कहीं और, महाराज जी कहीं और प्रचार कर रहे थे, तब भी मैं अकेला आप लोगों के बीच में आया था। भूपेंद्र जी आज भी कहीं और प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपके बीच में आया हूं। भूपेंद्र जी का परिचय और मेरा भूपेंद्र जी के साथ परिचय ये आज का नहीं है, ये उस समय का है जब हम काम करते थे और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं हरियाणा के अंदर विधायक बन जाऊंगा। तब के हम आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ऐसा व्यक्तित्व ये भूपेंद्र यादव है जो आपकी आवाज बन करके, आपकी यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं की आवाज बन करके वो लोकसभा के अंदर वो मजबूती से रखने वाले हैं।